जो ये कोर्सेज हमारे वाले हैं, बिकॉज ये उन्हीं के ही कोर्सेज हैं, उन्हीं की सर्टिफिकेशन है जिसकी वर्ल्ड रैंकिंग पे काफ़ी अप है। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, पीटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो एज अ लोकल स्टूडेंट काउंट होगा। और इंडियन रुपीज़ में जो फीस होगी, आपको 10 लाख देने की ज़रूरत नहीं है, कोई कुछ नहीं, बड़ी नॉमिनल सी फीसेज है। स्टूडेंट ने लेज़र सिक्योरिटी सिस्टम बनाया है। देखिए, कोई भी अगर इस सिस्टम के अंदर एंटर करता है तो इमीजिएटली आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर किसी ने आपके घर में एंटर किया है। इतना अच्छे से इस बच्चे ने इस चीज़ को रिप्रेजेंट किया है गैरेज के अंदर। जैसे कार है, कार को एक कैसे एक पर्सन बड़ा इजीली लेस एफर्ट के साथ इजीली लिफ्ट कर सकता है। देखिए आप यहाँ पर ये देख सकते हैं आप। बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जिनका एक सपना होता है, या फिर सिर्फ स्टूडेंट्स का ना कहूँ, पेरेंट्स का भी होता है, अब्रॉड जाकर स्टडी करना और कुछ अच्छा करना, अपना ब्राइट फ्यूचर बनाना। तो आज मैं आपको एक ऐसे स्कूल में लेकर पहुंची हूँ, आरएस पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जहाँ पर सिर्फ आप पढ़ाई यहाँ पर तो करेंगे, लेकिन साथ ही साथ एक कोलेबोरेशन हो चुका है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के साथ और इंडियन गवर्नमेंट का। इस तरीके का इस स्कूल में जो है एक नया एकेडमिक ईयर से स्टार्ट होने वाला है 11th 12th में, जहाँ पर आप देखते होंगे 12th के बाद जाके आइल्स करना है, पीटी करना है, आपको बाहर जाकर अब्रॉड जाकर स्टडीज करनी है। लेकिन अब इस स्कूल में ही आप लोगों को ऑस्ट्रेलियन बोर्ड के थ्रू जो एक रिकॉग्नाइज्ड होने वाला है, एक शुरुआत हो चुकी है जो इससे पहले कहीं नहीं हुआ। और क्या कुछ खास है और क्या कुछ चीजें हैं, वो इन्फॉर्मेशन लेते हैं हमारे साथ यहाँ पर स्कूल से। रवि जी हमारे साथ मौजूद हैं जो इसका पार्ट है, इंटरनेशनल कोलेबोरेशन जो है उन्हीं का पार्ट रहता है, उन्हें सब नॉलेज है, तो उनसे जानते हैं। सर ये क्या चीज है, कुछ इंटरेस्टिंग सुनने को मिल रहा है। ये ऐसा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया के बड़ी जल्दी क्लोज रिलेशंस बनने स्टार्ट हो गए हैं, जिसमें ट्रेड का भी हमारा इम्पैक्ट हुआ है और एजुकेशन रिलेटेड का भी हुआ है। तो उसी के अंडर, क्योंकि मैंने मिनिस्ट्री में गवर्नमेंट ऑफ न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का जो कलेबरेटेड उसमें काम किया था, तो उसमें हमने अप्लाई किया, मेरे कई राउंड ऑफ इंटरव्यूज़ हुए और उनकी एफिलेशन देने की कमेटी में भी मैं आ गया हूँ। और प्लस हमने यहाँ पे जो गवर्नमेंट वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट बोर्ड है उसके साथ हमारा एफिलेशन हैज़ स्टार्टेड। सो हम वहाँ के जो कोर्सेज हैं और उसके बाद बड़ी जल्दी टेफ के कोर्सेज और जो स्किल पाथवे प्रोग्राम्स हैं वो सारे हम लेके आ रहे हैं, जिसके अंदर हमारा जो मेन मोटो है कि वो जो वर्ल्ड क्लास एजुकेशन है वो यहाँ पे मिले। और हमारा जो नई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी एनपी पॉलिसी है, वो जैसे दिल्ली के कॉलेजेस में ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। अब आप उसमें देखेंगे कि बच्चे जो है अपने चॉइस के सब्जेक्ट ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि नॉन मेडिकल का बच्चा जो है कि वो आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट नहीं ले सकता, आर्ट्स का नहीं ले सकता। अब दैट सब्जेक्ट्स आर फ्री, तो वो सब्जेक्ट्स जो है वो आप ले सकते हैं, आप वो कर सकते हैं। और जैसे आपको मैं बताऊं, इकोनॉमिक्स केमिस्ट्री वाला भी पढ़ सकता है और आर्ट्स वाला केमिस्ट्री ले सकता है, या फिजिक्स वाला मैथ्स। जैसे एक पायलट बनना है तो फिजिक्स मैथ्स की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए केमिस्ट्री की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो उस सारी चीज़ों की काउंसलिंग जो है हम कर रहे हैं कि कैसे यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर भी और कैसे इंडिया के बाहर जहाँ पे इंडस्ट्री रेडी के लिए हमें चीज़ें चाहिए, तो वो सारे हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। और जो ये कोर्सेज हमारे वाले हैं, बिकॉज ये उन्हीं के ही कोर्सेज हैं, उन्हीं की सर्टिफिकेशन है जिसकी वर्ल्ड रैंकिंग पे काफ़ी अप है। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, पीटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो एज अ लोकल स्टूडेंट काउंट होगा। और इंडियन रुपीज़ में जो फीस होगी, आपको 10 लाख देने की ज़रूरत नहीं है, कोई कुछ नहीं, बड़ी नॉमिनल सी फीसेज है। एंड यू विल गेट द सर्टिफिकेशन मे ऑनवर्ड्स। वी हैव हमें जो टीचर्स हैं वहाँ से दे विल बी कमिंग हेयर फॉर द ट्रेनिंग, और हमारे टीचर्स कुछ हैं वो जो जून में जाएंगे ट्रेनिंग के लिए। और ये टीचर्स के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है, वंस दे आर ट्रेंड तो वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर वो ट्रेनिंग हो जाएगी टीचर्स की। बेसिकली एजुकेशन का स्तर ग्लोबली हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की विजन, हमारे ऑनरेबल गवर्नमेंट की जो विजन है, जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड पे एजुकेशन को लेके आना चाहते हैं, उसी का हम बड़ा एक छोटा सा हिस्सा है। एंड वी हैव स्टार्टेड विद दैट थिंग, और इंटरनेशनल रिकग्नाइज बोर्ड जो है वो यहाँ पे आ रहा है। एंड वी आर रेडी के भी बच्चों को हम काउंसिल करें, उन्हें बताएं कि वो ज़िंदगी में क्या कर सकते हैं और रेजिडेंसी के जो कोर्सेज कैसे कर सकते हैं। जैसे हमारे टेक्नोलॉजी है वो हर 10 मिनट में चेंज होती है। सपोजिंगली आप टीवी की टेक्नोलॉजी देख लो, कंप्यूटर्स की देख लो, हमारी सर्टिफिकेशन। जैसे अब कोई कहता है जी मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, तो हम कहते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं, आजकल डाटा एनालिटिक्स की ज़रूरत है, जिसके लिए इकोनॉमिक्स की मैथ्स की ज़रूरत है। वो एक बीटेक इंजीनियर से बेटर कर सकता है अगर वो एसक्यूएल लैंग्वेजेस लर्न कर लेता है। तो ये सारे काउंसलिंग का हमारे पास वो सारा फॉर्मूलाज हैं जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे ग्लोबली एमएनसीज में भी प्लेस हो सकता है, जिसमें हमारे पास यूएस के बेकर्सफील्ड कॉलेज का और बोस्टन के कुछ कॉलेजेस के उनके भी कलैबोरेटर्स हैं जो आपस में बात करते हैं, और हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे एज वेल एज यहाँ के स्टैंडर्ड्स के ऊपर जो बेस्ट अवेलेबल कॉलेजेस कोर्सेज
का सारा हम बता सकते हैं। तो मुझे लगता है जितने भी करनाल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है, काफ़ी अच्छा सीखने को मिलेगा उन्हें यहाँ पर आकर। और साथ ही साथ सर, जैसा कि आपने बताया कि जो टीचर्स हैं वो तो मतलब आप लोग जाएंगे कि वहाँ के टीचर्स यहाँ आएंगे, यहाँ के टीचर्स वहाँ जाएंगे, तो स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ इस तरीके का एक्सचेंज प्रोग्राम रहने वाला है, स्टूडेंट्स भी वहाँ जाकर पढ़ सकते हैं? यस, अभी रिसेंटली हमारे यहाँ के कुछ स्टूडेंट्स फिफ्थ ऑनवर्ड्स दे कैन गो एंड स्टडी देयर, और वहाँ पे उनका 10 दिन का, 1 महीने का, जैसा भी बनाए वो उनका वो कोर्स बनेगा। वहीं के वो स्टूडेंट्स के साथ रहेंगे, वहीं की एजुकेशन को वो देखेंगे, एंड इफ़ दे आर विलिंग, हमारे फिफ्थ ऑनवर्ड्स कई बच्चों ने अप्लाई किया है, तो दिस ईयर वील बी टेकिंग आर किड्स और वो वहाँ पे जाएंगे एंड वो पढ़ सकते हैं एंड दे विल हैव अ ग्लोबल अपॉर्चुनिटी। और देखो जी, वर्ल्ड सारा क्लोज आ रहा है जी, दुनिया पास में आ रही है, उसी दुनिया को पास में लाने का एक ये मुहिम है। वहाँ का जो बच्चा है वो जब कल्चरल एक्सचेंज में यहाँ पे आएगा, यहाँ रहेगा, करेगा, हमारा तो एक ये कि करनाल एक NCR में इसका लगा लो कि हमारा ये शहर पड़ जाता है, तो वो दिल्ली बेस्ड हमने उन्होंने कहा कि जी दिस इज़ फर्स्ट वन दैट इज स्टार्टिंग इन NCR, नेशनल कैपिटल रीजन, तो करनाल उसमें आता है। और हम ये चाहते हैं कि करनाल उस प्लेटफॉर्म पे एक पूरे इंडिया का एक ऐसा स्तर बना सके कि ये कोर्सेज क्या, ये पाथवेज क्या, ग्लोबल एजुकेशन के सेंटर्स हमारे यहाँ पे आ सके। मैं तो और भी चाहूँगा कि और भी कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं जो इसके बारे में नॉलेज लेके अपने यहाँ पे कुछ कोर्सेज और एजुकेशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं, आई एम मोर देन हैप्पी टू टेल देम एंड हेल्प देम। पर्पस है कि हमारी जो बच्चे यहाँ पे इतने इतने लाख डॉलर लगा के बाहर जाते हैं, वो कई सालों तक पार्ट टाइम जॉब्स करके फीसेस देते हैं, विशेष सर्कल में फंस जाते हैं, और वो पहले एक अपने ही पैसे निकालने में, हम इकोनॉमी एक अदर कंट्री की इम्प्रूव कर रहे हैं रादर देन हमारे अपने कंट्री की, हमारे अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट कॉलेजेस जो बैठते जा रहे हैं। अब इसी स्तर पे अगर इंटरनेशनल कोलैबोरेशन हो रही है और उनके कोर्सेज यहीं अवेलेबल हो रहे हैं और वो एक ठीक ठाक इंडियन करेंसी के अंदर होने स्टार्ट हो जाए और हमारे यहाँ से स्किल डेवलप हो और डायरेक्ट जॉब प्लेसमेंट्स हो और या कन्वर्जन कोर्स हो वहाँ पे जो रेजिडेंसी की तरफ लेके जाए और वो डायरेक्ट इकोनॉमी में वापस यहाँ पे इम्प्लांट करे, रादर देन हम किसी और की इकोनॉमी ग्रो करें, इसकी बजाय हम अपनी इकोनॉमी को ग्रो करें। सो आई थिंक इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर एवरी स्टूडेंट इन करनाल, और साथ ही साथ स्किल प्रोग्राम भी आप लोगों को यहाँ पर सिखाए जाएंगे, जितने भी आपको काउंसलिंग चाहिए, आप लोगों जैसे सर ने बोला कि आप इतने इतने लाखों रुपए खर्च करते हैं और वहाँ जाकर आप पार्ट टाइम जॉब करते हैं, लेकिन यहाँ पर स्कूल में इस तरीके से इंटरनेशनल कोलैबोरेशन किया गया है कि आपको यहीं से ही सिखाई जाएंगी चीज़ें, डायरेक्ट आपकी प्लेसमेंट होगी, डायरेक्ट जॉब करवाई जाएगी, एक्सचेंज प्रोग्राम्स रहेंगे, वहाँ के टीचर्स यहाँ आएंगे, यहाँ के टीचर्स वहाँ जाएंगे, स्टूडेंट्स को भी भेजा जाएगा, तो काफ़ी अच्छी एक चीज़ है। तो आप लोगों को बाकी और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग स्कूल में आइए, RS पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, आप लोगों की सभी जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर दिए जाएंगे। उसके साथ ही साथ यहाँ पर आज एग्जीबिशंस भी रखे गए हैं, वो भी आप लोगों को कुछ ही देर में दिखाते हैं। स्टडीज़ के साथ साथ अगर स्टूडेंट्स को इस तरीके की चीज़ें भी सिखाई जाएं, जहां पर आप देख सकते हैं कि बच्चों ने खुद अपने हाथों से ये सभी सामान बनाया हुआ है, होम साइंस सब्जेक्ट होता है और जो सब्जेक्ट को भी इतने अच्छे तरीके से किया गया, बच्चों ने दिल लगाकर काम किया है, RS पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आप यहाँ देख सकते हैं होम साइंस एग्जीबिशन यहाँ पर लगाया गया। और जितना भी यहाँ पर आप सामान देख पा रहे हैं, मैं एक बार आपको पूरा दिखा देना चाहूँगी पूरे रूम में क्या क्या आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा है, पूरी पिक्चर्स पेंटिंग्स राधा कृष्ण की मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, गणेश भगवान की देख पा रही हूँ, या ही फिर ऊपर मैं आप लोगों को ये बेडशीट्स दिखाऊं जिस पर आप काफी सुंदर प्रिंट देख पा रहे हैं, बटरफ्लाई के अलग अलग प्रिंट्स यहाँ पर देख रहे हैं, और साथ ही साथ ये ऊपर भी अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं जो पूरी डेकोरेशन हुई हुई है, ये सब चीजें जो है सभी स्टूडेंट्स ने अपने हाथों से बनाई हुई है, और मुझे लगता है टीचर्स को भी काफी अच्छा लगता है और स्टूडेंट्स को भी काफी अच्छा लगता है कि स्टडीज के साथ साथ कुछ इंटरेस्टिंग करने को मिल जाए, कुछ अपनी क्रिएटिविटी जो है वो दिखाने को मिल जाए। सूट्स भी आप लोगों को मैं दिखाऊंगी यहाँ पर, ये सूट्स भी जो है स्टूडेंट्स ने खुद ही स्टिच किए हुए और काफी खूबसूरत लग रहे हैं, कि मतलब आप मुझे लगता है कि स्कूल में रहते हुए कुछ ऐसी चीज भी सीख रहे हैं जो आपको बाहर जाकर भी कुछ काम आएगा, जो आपको अर्निंग करने में। सभी स्टूडेंट्स के नाम भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ लिखे हुए, इस पर काफी खूबसूरत कलर्स आप देख पा रहे हैं, इतने अच्छे से कलर्स किए हुए हैं सभी स्टूडेंट्स के, आप देख पा रहे हैं नाम लिखे हुए किसी का, परवीन, अंशु, सभी स्टूडेंट्स ने काफी अच्छा काम किया हुआ है, और आप देखो कोई भी मेहनत की हो टीचर का हाथ जरूर होता है पीछे भी, विदाउट टीचर कहते हैं ना, बिना गुरु के जो शिष्य है नहीं अच्छे से कर पाता है, उनकी हेल्प की जरूरत जरूर पड़ती है। तो मैम यहाँ पर मौजूद है, मैम से बातचीत करते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है, कौन सी क्लास के सभी स्टूडेंट्स हैं और क्या कुछ बताना चाहेंगी मैम आज के इस एग्जीबिशन के बारे में। आज की एग्जीबिशन जो है होम साइंस डिपार्टमेंट की तरफ से लगाई गई है, जिसमें +1 +2 के स्टूडेंट्स ने काम कर रखा है। ये जितना भी आप यहाँ देख रहे हैं ये सभी बच्चों ने करा है अपने आप, इट्स अ पार्ट ऑफ
ऑफ सब्जेक्ट सच एज बेडशीट्स हैं, तो ये इनका फैब्रिक पार्ट है, क्लोदिंग एंड टेक्सटाइल उससे रिलेटेड है। ऑल दिस पेंटिंग्स एंड पॉट्स रिलेटेड टू होम मैनेजमेंट जो इनके सब्जेक्ट का एक पार्ट है। इसमें बच्चों ने जैसे प्लेन बेडशीट पे खुद अपनी प्रिंटिंग करी है। इसका मोटिव ये है कि हाउ वी कैन अट्रैक्ट कस्टमर, मैं इन्हें हम ये सिखाते हैं कि आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड कर सकते हैं, साथ ही आप अपना वोकेशनल कैसे कर सकते हैं। इससे ये खुद अर्निंग भी कर सकते हैं, सच एज अपनी हॉबी क्लास खोलकर खुद अपना शुरू करके औरों को सिखाकर ये बहुत सारे लोगों को एजुकेटेड भी कर सकते हैं। मतलब वही स्कूल में रहते हुए कि बच्चों को ऐसे स्किल्स दिए जा रहे हैं कि बाहर जाके अर्निंग करने में भी प्रॉब्लम ना हो। ये सारे मेरे बच्चे खड़े हैं, इन्होंने खुद सारा काम किया हुआ है। ये राधा कृष्ण की मूर्ति मतलब बहुत खूबसूरती से, फिर उसके बाद ये सारे इवन स्टिच भी इन्होंने खुद ही करे हैं। तो ये सारा का और किया भी स्कूल में ही है। अच्छा। ये सारा लैब है हमारी, उस लैब में ये पूरा काम करते हैं। थैंक यू। तो काफ़ी अच्छा जो है काम दिखाई दे रहा है और काफ़ी खूबसूरत लग रही है चीज़ें, लग रहा है कि काफ़ी मेहनत की हुई है। स्टूडेंट से भी बातचीत करते हैं, कितना टाइम लगा इसको बनाने में, आसान था मुश्किल था कैसे? हाय, क्या नाम है आपका? सिमरन। सिमरन, आपने क्या कुछ रेडी किया है इसमें? राधा कृष्ण, दैट वन पिक्चर। अच्छा, सूट पॉट भी किया, काफ़ी सारी चीज़ें की हैं। तो कितना टाइम लगा इसको रेडी करने में, कितना मज़ा आया? मज़ा तो आया काफ़ी, सीखने को भी मिला बहुत कुछ, और टाइम तो थोड़ा ज़्यादा लगा पर सीख गए हम लोग। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे बाकी सभी स्टूडेंट्स को, जो और भी बच्चे होंगे जो देख रहे होंगे, उन्हें भी ऐसा कुछ सीखने में? शायद अभी मैं भी देखूं, मुझे ऐसा लग रहा है कितना मुश्किल होगा इसको करना, आसान तो नहीं होगा। क्या कहना चाहेंगे उन सबको? अगर हम आराम से धीरे धीरे करें तो हम थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हम इसको सीख जाएंगे, अच्छे से सीख जाएंगे। थैंक यू। जी हाँ, टाइम जो है देना पड़ता है और उसके बाद आप सीख जाते हो, और काफ़ी खूबसूरत लग रही है ये सब चीज़ें। ये तो मतलब मुझे ऐसे ही लग रहा है कि मार्केट से ली हूँ। हाय, क्या नाम है आपका? डिम्पल। डिम्पल, आपने क्या बनाया है इसमें से? मैम बोरी मेरी। कौन सी है आपकी? राधा कृष्ण जी। राधा कृष्ण है ये वाली आप? हाँ जी। तो ये हमारे को बहुत थोड़ा बताइए, जैसे वो हॉर्स है ना सामने, वैसे हमको मिली थी, और उसके बाद हमने सारा स्टोन वर्क करा, उसके बाद मतलब एक एक चीज हमने प्लकर से उठा के मतलब लगाई, और इसका ग्लू वगैरह वर्क बहुत बारीक है। ये देखो, मोर को भी पूरा वो डेकोरेट कर रखा है। और ये जो पिक्चर थी ये पहले से बनी हुई थी, ये भी आप लोगों ने? हाँ जी, नहीं बनी हुई थी, ये पिक्चर बनी हुई थी। हाँ जी, और बस ये फ्रेमिंग बार से हुई है, बाकी सब हमने खुद कर रखा है। हाँ जी हाँ जी, लाइटनिंग भी। और कितना टाइम लगा ये एक पिक्चर रेडी होने में? ये बहुत टाइम लगा, बिकॉज क्या कहते हैं, स्कूल में क्या कहते हैं, विद स्टडी भी होती है ना होम साइंस में, जो हमारे को टाइम मिलता था, जितना पीरियड मिलता था उतना हमने करा कवर जल्दी जल्दी। और ये सारा मैंने क्राफ्ट का खुद बना रखा है, ये देखो लाइक कैसे। काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। ये क्या अपनी फैमिली पिक्चर्स हैं? हाँ जी, ये मेरे ब्रदर का बर्थडे था। अच्छा, ये देखो। तो अपना हमने कहा था कि भाई आप बनाइए। और मैम आजकल क्या काफ़ी, जैसे कहा कि मेरे जो ब्रदर था उनका बर्थडे था, वैसे आजकल क्या होता है, मार्केट से जाके गिफ्ट खरीद लिए बहुत इजी रहता है, लेकिन जब आप हैंडमेड किसी के लिए खुद से हाथ से बनाते हैं तो वो एक अलग ही प्यार नजर आता है अपने भाई बहनों के लिए, दोस्तों के लिए। ये चीज़ें हम इन्हें सिखाते हैं कि मार्केट से तो कोई भी खरीद सकता है, पर आप जब खुद बना कर देते हैं तो उसकी वैल्यू अलग है। जब आप, अब स्टूडेंट्स ने पहले ठीक है अब ये किया तो उन्हें कॉन्फिडेंस है, वो ये देख रहे हैं कि हाँ ठीक है मैं कर सकता हूँ, मैं किसी दूसरे को भी करवा सकता हूँ। हमारा मेन मोटिव ही ये है कि हम उन्हें सेल्फ इंडिपेंडेंट कैसे बना सकते हैं, कि वो आप इंडिपेंडेंट होइए, कम एज में आप अपने आप को डिपेंडेंट कर लीजिए, और जो आपके पर इंडिपेंडेंट है आप उनको भी मोटिवेट करिए। यहाँ इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सभी स्टूडेंट्स ने काफ़ी अच्छा काम किया, पेरेंट्स यहाँ पर पहुँचे, एग्जीबिशन जो है यहाँ पर बच्चों ने तैयार किए वो देखते हैं। इसके बाद ये होम साइंस का एग्जीबिशन था, नेक्स्ट मैं आपको यहाँ पर लेकर चलती हूँ। ये साइंस एग्जीबिशन है और यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं काफ़ी स्टूडेंट्स यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और सभी ये सब जो है सभी स्टूडेंट्स ने रेडी किया हुआ है, आप लोग देख पा रहे हैं। पेरेंट्स भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और सभी देखते हुए दिख रहे हैं। काफी अच्छा लग रहा है, जो चीजें हैं काफी मेहनत से आप लोग देख पा रहे हैं सब, और मुझे लग रहा है काफी अलग अलग क्लास के स्टूडेंट्स यहाँ पर पहुंचे हैं। जो यहाँ पे टीचर हैं उनसे भी हम लोग बात करेंगे या कि उनका क्या कुछ कहना है, किस तरीके से सभी स्टूडेंट्स को ये सिखाया गया है, क्या कुछ है, कुछ बच्चों से भी हम लोग बातचीत जरूर करेंगे। हाय, क्या नाम है आपका? वैभव। वैभव, आपने तैयार किया ये, क्या है ये प्रोजेक्ट, थोड़ा सा बताएंगे इसके बारे में? ये ड्रिप इरिगेशन है, इसमें पहले जब रेन आती है तब ये वाटर कलेक्ट होता है यहाँ पे, और उसके बाद ये फिल्ट्रेशन टैंक में जाता है, और उसके बाद वेल में जाता है, वेल से सीधा रूट्स ऑफ प्लांट में जाता है, प्लांट की रूट्स में। तो कितना टाइम लगा आपको ये रेडी करने में? 2 to 4 days। 2 to
4 डेज लगा। और आपने अकेले ने रेडी किए ये? नहीं, मेरा ग्रुप में है पर उसे कहीं जाना पड़ गया था। तो ये देखिए काफी अच्छा जो है रेडी किया और काफी सोच कर जो है रेडी किया हुआ है। और टीचर भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बातचीत करते हैं। हेलो सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे आपके स्टूडेंट्स की? मैं देख पा रही हूँ काफी अच्छे से सभी बच्चों ने जो प्रोजेक्ट है अपना रेडी किया हुआ है, क्या कुछ बताना चाहेंगे आज के इस एग्जीबिशन के बारे में? मैम, बस बच्चों ने अपने जो भी अपनी क्रिएटिविटी को यहाँ पर शो किया है, अलग अलग बच्चों के अपने अपने आइडियाज के थ्रू जो है अपने बच्चों ने अपने मॉडल को बच्चे खुद अपने आप को दिखाएंगे, एक्सप्लेन करके आपको बताएंगे। चलिए आपको मैम, ये मेनली जूनियर स्टूडेंट्स हैं और कुछ जो है 9th-10th के स्टूडेंट्स भी हैं और मेनली ये छोटे बच्चों का ही जो है एग्जीबिशन है। तो चलिए आप देखिए, आज जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर एक स्टूडेंट ने, ये 9th class का स्टूडेंट है और इसने देखिए एक ट्रैक्टर का मॉडल बनाया है। ये देखिए, ये हाइड्रोलिक सिस्टम पर बेस्ड है, ये लेफ्ट राइट जैसे मूव करता है, ये हाइड्रोलिक सिस्टम के बेस पर जो है ये मूव करता है। इस बच्चे ने खुद की मेहनत से इसको बनाया, बिना किसी टीचर की भी हेल्प नहीं इस बच्चे ने यूज करी है। जी 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 जी। तो सर, आपने ये प्रोजेक्ट दिया था कि ये रेडी करना है, बच्चों ने खुद अपनी मर्जी से ऐसा? मैम, हमने बच्चों को के ऊपर हमने इन लिबर्टी दी है कि मतलब जो बच्चे के माइंड में हो, जो वो एक्सप्लेन करना चाहता है वही मॉडल को वो बना सकता है। जरूरी नहीं है कि अगर मैं ही बच्चे को बताऊं, ये बच्चे की अपनी खुद की क्रिएटिविटी है। जी, और जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्टूडेंट ने लेजर सिक्योरिटी सिस्टम बनाया है। देखिए, कोई भी अगर इस सिस्टम के अंदर एंटर करता है तो इमीडिएटली आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर किसी ने आपके घर में एंटर किया है। जी, और आप देखिए साइड में देख सकते हैं यहाँ पर एक हाइड्रोलिक लिफ्ट का सिस्टम भी इस बच्चे ने बनाया है। ये देख सकते हैं कितना अच्छे से इस बच्चे ने इस चीज़ को रिप्रेजेंट किया है गैरेज के अंदर। जैसे कार है, कार को एक कैसे एक पर्सन बड़ा इजीली लेस एफर्ट के साथ इजीली लिफ्ट कर सकता है। देखिए आप यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, तो ये बच्चों ने अपने अलग अलग आइडियाज को अपने अपने मॉडल्स के थ्रू जो है यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। काफी मेहनत जो है दिखाई दे रही है सभी स्टूडेंट्स की और काफी अच्छा जो है काम किया हुआ है। अलग अलग प्रोजेक्ट्स में यहाँ पर देख पा रही हूँ और सर ने कहा कि हमने पूरी लिबर्टी दी थी कि अपनी मर्जी से कुछ भी आप, वाटर साइकिल का मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, किसी ने लिफ्ट रेडी की हुई है, किसी ने तो घर किया हुआ है कि आपके घर में कोई भी एंटर करता है तो लेजर जो है आपके जो है वहाँ पर वो आवाज करने लग जाएगा। काफी सभी जो जूनियर क्लास के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों ने भी काफी अच्छा एक, मतलब हम लोग सोच नहीं सकते ऐसे होते कि ये वाले प्रोजेक्ट जो है ना बड़ी क्लासेस के स्टूडेंट्स ही कर सकते हैं, लेकिन सभी स्टूडेंट्स ने काफी मेहनत की और वो आपको दिखाई भी दिया। उसके बाद मैं आप लोगों को लेकर चलती हूँ यहाँ पर फाइन आर्ट्स की क्लास में। फाइन आर्ट्स का भी यहाँ पर एग्जीबिशन है, आप लोग देख पा रहे हैं पेंटिंग्स जो है काफी खूबसूरत जो है यहाँ पर तैयार की हुई है। मतलब स्टूडेंट्स की क्रिएटिविटी जो है यहाँ पर आरएस पब्लिक स्कूल में सभी दिखाई दे रही है, चाहे वो होम साइंस का एग्जीबिशन हो या साइंस एग्जीबिशन हो या ही फिर आप ये फाइन आर्ट्स का एग्जीबिशन देख सकते हैं। और दिखने में तो बहुत ईजी लग रहा है कि बना के बच्चों ने यहाँ पर रख दिया, बट नहीं, कितनी मेहनत इस चीज के पीछे लगी हो, कितना वक्त जो है इसके पीछे लगा होगा। काफी खूबसूरत चीजें लग रही है और वो जो थॉट्स उनके पीछे रहे होंगे, क्या कुछ सोच के बनाया होगा, वो जो है यहाँ पर जरूर देखने को मिल रहा है। कुछ स्टूडेंट से भी बातचीत करेंगे और कुछ टीचर से भी बातचीत करते हैं। हाय, क्या नाम है आपका? जसमीत कौर। जसमीत, आपने क्या रेडी किया है इसमें से? मैम, ये हमने रेडी किया है मैम, इसमें ये हमारा पोर्ट्रेट है और मैम इसमें बहुत टाइम लगा था बनने में, लेकिन बहुत कितना टाइम लगा इसको बनाने में मैम? सर यहाँ पर मौजूद है, सर से बातचीत करते हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के इस एग्जीबिशन के बारे में? एग्जीबिशन में हमारे बच्चों का बनाया हुआ वर्क है, इसमें क्राफ्ट भी है और आर्ट भी है और साथ में हमारा इसमें रंगोली का क्ले मॉडलिंग का भी रहता है और हमारा स्कूल 5 years से टॉप करता रहा है पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर बाल भवन में पेंटिंग को लेकर के। तो यहाँ पे बच्चों के वर्क कराए गए मैम, बेस्ट ऑफ वेस्ट का भी है, क्ले मॉडलिंग का भी काम इसमें दिखाया गया और ये हमारा जो है मॉडर्न आर्ट से जुड़ी पेंटिंग्स है, ऑयल पेंटिंग का भी यूज़ किया गया है। तो ये सब वर्क हम शुरू से कराते हैं, 3rd class से स्टार्ट हो जाता है और +2 तक के लेवल का हम लोग वर्क करते हैं। पढ़ा हुआ है सब, रखा हुआ है सर। तो कौन कौन सी क्लास के स्टूडेंट्स ने रेडी किया ये? 8th class से लेकर के +2 तक का वर्क है मैम। जी, और ये मुझे सुनकर काफी अच्छा लगा कि 5 साल से जो है डिस्ट्रिक्ट में टॉप करता आ रहा है आरएस पब्लिक स्कूल और सभी स्टूडेंट्स ने। एक और स्टूडेंट से भी बातचीत करते हैं, आपने क्या कुछ रेडी किया है, क्या कुछ बताएंगे? मैंने ये रेडी किया हुआ मैम, ये मॉडर्न आर्ट है। अच्छा। इसमें हमने एक्रेलिक पेंट्स का यूज किया मैम, आप देख सकते हैं इसमें हमने फेविकोल के यूज से हमने इसको कलर को डिजाइन किया है और मैम हमने ये डिजाइन किया, रोबोट है, जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है हमने उसको यूज करके हमने इस रोबोट को डिजाइन किया मैम।
तो वेस्ट प्रोडक्ट्स का भी यहाँ पर कितने अच्छे तरीके से जो रोबोट बनाया गया आप लोगों ने देखा, जो सभी स्टूडेंट्स हैं यहाँ के उनको स्टडीज के साथ साथ इन सब चीज़ों पर भी ध्यान दिया जाता है, क्योंकि क्रिएटिविटी होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सभी स्टूडेंट्स भी यहाँ पर पहुँचे, पेरेंट्स यहाँ पर पहुँचे, तो मुझे लगता है एक बहुत अच्छा मौका भी है, क्योंकि एडमिशन्स जो है स्टार्ट होने वाले, अगर आप भी चाहते हैं आपके बच्चे भी इसी तरीके से कुछ अच्छा सीखें, कुछ क्रिएटिविटी करें, तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छा मौका है। आप लोग आर एस पब्लिक स्कूल में जो है एडमिशन ले सकते हैं। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर अकेडमिक जो टॉपर्स हैं या फिर स्पोर्ट्स टॉपर्स हैं वो यहाँ पर, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ से पास आउट हैं उनके पिक्चर्स यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ से जो है पास आउट, और यहाँ रंगोली जो कॉम्पिटिशन रहता है स्कूल में क्या कुछ रहता है, फैंसी ड्रेस की बात करूँ, लर्निंग थ्रू डूइंग, होम साइंस, सभी पिक्चर्स मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि जो जो एक्टिविटीज स्कूल में करवाई जाती हैं, चाहे मैं ट्रिप की बात करूँ, ट्रिप भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और ये ट्रॉफीज आप लोग देख पा रहे हैं, बाल महोत्सव का मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, ओवरऑल बेस्ट परफॉर्मेंस काफ़ी, मतलब आप ये देख पा रहे हैं अगर ऐसी ट्रॉफीज आई हुई बड़ी बड़ी, तो बच्चों ने बहुत अच्छे काम जो है यहाँ पर ज़रूर किए हुए हैं। सभी आपको यहाँ अकेडमिक टॉपर्स भी दिखाई दे रहे हैं, स्पोर्ट्स विनर्स भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो आरएस पब्लिक स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं काफ़ी अच्छे उन्होंने काम किया, एक मेहनत जो है उन लोगों की दिख रही है, चाहे वो स्टडीज़ की बात करूँ यहाँ पर जो टॉपर्स आप लोगों को दिखाई दे, या फिर साइंस एग्जीबिशन, होम साइंस या फिर फाइन आर्ट्स एग्जीबिशन में सभी स्टूडेंट्स की क्रिएटिविटी दिखाई दी है। तो आप लोग भी आ सकते हैं अपने बच्चों का एडमिशन अगर करवाना चाहते हैं, एडमिशन्स ओपन है आरएस पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जो आपको पहुँचना होगा मीरा सद्भावना चौक ऑन रोड पर ही आप लोगों को मिल जाएगा। तो एक बार आइए, विजिट कीजिए, कोई भी डाउट है अगर बच्चों का एडमिशन करवाना चाहते हैं तो।